नमस्ते दोस्तों, मैं हूं दत्तात्रेय और आप देख रहे हैं स्टार इनपुटेड सीएनसी। दोस्तों, सीएनसी राउटर की कल बैच खत्म हो चुकी है, तो हमारे यहां पे जो सीएनसी राउटर सीखने के लिए आए थे उनका आज रिव्यू हम लेने वाले हैं। आप कहां से आए हो? पंजाब। पंजाब कहां से? गुरदासपुर। नाम क्या है आपका? अरज। इनका नाम आरजे है। तो देखते हैं कि आज इन्होंने यहाँ पे ट्रेनिंग किया है, तो इनको कुछ सवाल भी पूछूंगा कि इनको कैसा लगता है और किस तरीके से इन्होंने ट्रेनिंग कंप्लीट किया है। तो आपको 2D या 3D का टूल पाथ अच्छे तरीके से आता है? आता है। आज हमें सीएनसी राउटर के बारे में कुछ जानकारी देंगे, तो आइए उनसे ही मिलते हैं और पूछ लेते हैं कि उन्होंने ट्रेनिंग किस तरीके से कम्प्लीट किया है। सबसे पहले हमने एवन स्पेस में काम किया, फिर बॉर्डर ड्राम में, फिर बॉर्डर कार्ड स्टार्ट किया, बाद में सीन ऑपरेटिंग भी सीखी है, ट्रेनिंग भी सीखी है। तो आप अपने अगर आपको कोई डिज़ाइन दी जाए तो आप अच्छी तरीके से डिज़ाइन कर सकते हो? कर सकते हो, ठीक है। इन्होंने भी बहुत से डिज़ाइन 2D या 3D में बनाए, वो भी वीडियो के आखिरी वक्त में मैं आपको दिखाऊंगा। इसके बाद पूछते हैं आपका नाम क्या है? रमेश। कहाँ से हो? यूपी से। अच्छा, तो आपने सीएनसी राउटर पे यहाँ पे क्लास किया, तो आपको कैसे लगा? अच्छा लगा। और तो कौन से सॉफ्टवेयर पढ़े इसमें आपने? कोरल। इनको कंप्यूटर बेसिक नहीं आता था, उसके वजह से पढ़ाई में बहुत दिक्कत हो गई, लेकिन इन्होंने वो पूरा कवर करके अच्छे तरीके से अभी डिज़ाइन बनाना चालू किया है। और इसके साथ साथ इन्होंने 2D या 3D का भी टूलपाथ बना के यहाँ बहुत डिज़ाइन अच्छे बनाए, वो डिज़ाइन मैं आपको वीडियो के आखिरी वक्त में यहाँ पे दिखाऊंगा। आप दोनों ने जो ट्रेनिंग किया है, इससे आप लोग संतुष्ट हो क्या? मतलब आपको ऐसा लगता है कि हमने सीएनसी राउटर का यहाँ पे आके कोर्स किया, वो अच्छी तरीके से किया या उसमें कुछ कमियाँ हैं, ऐसा कुछ आपको लगा क्या? आपको ऐसा कुछ नहीं लगा आपको? ठीक है। और रहना और खाना यहाँ पे कैसा है, इसके बारे में थोड़ा ये डिटेल में बताएंगे, तो उनसे भी पूछ के देखते हैं कि खाना कैसे आता है और प्रैक्टिकल कितने देर तक करते हैं, रात को शाम को, मतलब रात देर तक कितने वो टाइमिंग से यहाँ पे प्रैक्टिकल करते हैं, इसके बारे में भी इनसे पूछेंगे। सर, हम लोग रात 3 बजे तक प्रैक्टिकल करते हैं। रात 3 बजे तक? और क्या क्या करते हैं, किस तरीके से करते हैं? छोड़ते हैं। तो आपका प्रैक्टिकल अच्छा हुआ होगा यहाँ पे, और 3D का भी अभी अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। तो कंप्यूटर में अभी आपने अगर कुछ आपको प्रोग्राम दिया जाए या डिज़ाइन दिया जाए मोबाइल से, तो उसको आप कैसे लेके उसके ऊपर काम करोगे आप? तो ये तो इन्होंने प्रोसेस शॉर्टकट ये बता दिया, जैसे कोरल में हम डिज़ाइन बनाते हैं उसको DXF फाइल में हम कन्वर्ट करते हैं और इसके बाद उसको ArtCAM में डाल के अच्छे तरीके से उसको 2D या 3D का जो टूलपाथ रहता है वो दे देते हैं, और इसी तरीके से हम उसको मशीन के ऊपर, मतलब जो हमारा सीएनसी राउटर का कोर्स चालू है यहाँ पे, तो या इसमें हम उसका प्रोग्राम छोड़ देते हैं ताकि उसके ऊपर उसका रिजल्ट कैसा है। जैसे मैंने कभी कभी बच्चों को क्या लगता है कि डिज़ाइन बनाते वक्त 3D का डिज़ाइन अगर बनाते हैं तो उनको हाइट का बहुत प्रॉब्लम आ जाता है, जैसे 1 mm का डिज़ाइन दिया डिज़ाइन में तो वो कैसे रहता है, या 2 mm का दिया तो वो कैसे रहेगा, 3 mm का कितना रहेगा, या 10 या 15 mm तक अगर उसकी थिकनेस दी गई होगी डिज़ाइन में तो किस तरीके से वर्क करके, इनको समझ में नहीं आता। तो इसके लिए मैंने एक शॉर्टकट इनको बता दिया है कि आप एक डिज़ाइन का मॉडल 3D का बनाओ, राउंडेड वाला या जो स्क्वेयर होगा उसको, और उसको हर चीज़ को एक हाइट दे दो ताकि आपको समझ में आए कि 3D में आप जब डिज़ाइन कन्वर्ट करते हो, क्योंकि 2D तो एकदम ईजी है, 2D सीखने में कोई इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं आता, लेकिन 3D डिज़ाइन के वक्त बहुत सी मुश्किल आती है। तो इनको भी मैंने इसके बारे में बताया, ठीक है। अगले जो हमारे स्टूडेंट है, इनको पूछते हैं कहाँ से आए और इन्होंने ट्रेनिंग कैसे लगा, इनको खाना और कैसा लगा यहाँ का माहौल, और हमारे आने वाले स्टूडेंट को भी किस तरीके से यहाँ पे काम करना है या डिज़ाइन करना है, यहाँ रहने का कल्चर कैसा है, रात को कितने बजे तक इन्होंने यहाँ पे काम किया, ये सब डिटेल यहाँ पे बता देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं, आपका नाम क्या है? कहाँ से हो? तो आपको ये पता कैसे चला कि यहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर आपका चालू है? ठीक
ठीक है। हमारे ये राहुल जी महाराष्ट्र से है, ठीक है, और इनको मराठी मतलब हिंदी मराठी का थोड़ा प्रॉब्लम आ जाता है, लेकिन वैसे भी ये कोल्हापुर का एरिया जो है यहाँ पे मराठी बहुत अच्छे तरीके से बोलते हैं, और इनको ट्रेनिंग इन्होंने मतलब हिंदी में मराठी में यूज किया पूरा किया, तो लैंग्वेज का कोई वैसी दिक्कत नहीं है, सीखना बहुत जरूरी रहता है। आपको ट्रेनिंग कैसे लगा? अच्छा लगा। प्रैक्टिकल पूरा लैपटॉप के ऊपर डिज़ाइन बना के 3D का उसका टूलपाथ या 2D का टूलपाथ बना के उसको मशीन में छोड़ने के लिए आपको समय मिलता है कि नहीं? क्या मतलब प्रैक्टिकल में कुछ दिक्कत आती है? बहुत मिलता है, ठीक है। इन्होंने 2D 3D का डिज़ाइन किया, इनका खुद का बिजनेस है, और बिजनेस डालने के बाद इनको बिजनेस में बहुत सा लॉस आ गया, क्योंकि सही नॉलेज होना बहुत ज़रूरी रहता है बिजनेस में, ठीक है। ये और एक दो बंदे थे जिन्होंने इनका बिजनेस पूरा मतलब रिकवर करने के लिए इन्होंने आके यहाँ पे ट्रेनिंग किया। अगर आप भी हमारे यहाँ पे ट्रेनिंग करना चाहते हो तो नेक्स्ट बैच मेरी जो चालू होने वाली है सितंबर की है, क्योंकि अगस्त के ऑलरेडी मेरे फुल हो चुके हैं, तो चाहे तो आप सितंबर को इस नंबर पे कॉल करके बता सकते हो, ठीक है। और आगे जो है इनसे भी बातें करेंगे हम, ठीक है। आप कहाँ से हो? ठीक है, हमारा बोला, ठीक है। आपका नाम है? तुम्हारा ट्रेनिंग कसं वाटलं? ठीक है, काय काय शिकला तुम्ही यामध्ये? ट्रेडिंगमध्ये काही अडचणी वगैरे आल्या किंवा काही प्रश्न आले तर तुम्ही मला तसं मार्गदर्शन, ठीक आहे। तर ट्रेनिंग के वक्त वैसे स्टूडेंट को हम कोई दिक्कत आने नहीं देते, यहाँ पे उनकी पढ़ाई अच्छे तरीके से हो, इसीलिए उनको नोट्स या बाकी के जो कुछ मटेरियल है वो दे देते हैं। और वैसे इन्होंने पहले 6-7 दिन के बाद में ही डॉक्टर पे आना, यहाँ पे आना, और उसका एक एक ट्यूटोरियल चालू किया, जैसे XY लेना, ऑफसेट लेना, जेड का लेना, या बाकी का स्पिंडल स्पीड क्या है, स्पिंडल कैसे ऑन ऑफ करना रहना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इसका मेंटेनेंस के भी इन्होंने बहुत सा ट्रेनिंग किया है, ठीक है। तो इन्होंने यहाँ पे जो ट्रेनिंग किया उसमें मशीन किस तरीके से इस्तेमाल करना, मशीन का मेंटेनेंस किस तरीके से करना है, ठीक है, साथ में प्रोडक्शन लगाने वक्त कौन कौन सी परेशानी आ सकती है, अर्थिंग करना या ना करना, या बाकी के ऐसे बहुत सी मुश्किल है जो यहाँ पे उन्होंने ऑफलाइन ट्रेनिंग करके ही इनको पता चला। जैसे यूट्यूब पे अभी इतना तो ज़्यादा जानकारी नहीं मिलता, लेकिन ऑफलाइन में आप अच्छी तरीके से पढ़ सकते हो, ठीक है। तो आगे इनसे पूछेंगे कि अभी हमारे यहाँ पे CNC राउटर के लिए पुणे में एक दो कंपनी ने जिनका वेबसाइट प्रोफाइल भी अच्छा है, इन्होंने इनको जॉब के लिए ऑफर दिया हुआ है, ठीक है। तो अभी लेकिन इन लोगों से पूछ लेते हैं कि ये जॉब आगे जाके पुणे में करना चाहेंगे या खुद का बिजनेस संभालना चाहेंगे, क्योंकि CNC राउटर के लिए जो स्टूडेंट आते हैं इनका वो तो ज़्यादा से ज़्यादा खुद का ही बिजनेस रहे। आप लोग ने यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए का खत्म किया है लगभग, ठीक है। तो अभी पुणे में जो कंपनी आई है वहाँ पे आप चाहे तो जॉब जाके कर सकते हो, 6 महीने के बाद आप अपना बिजनेस भी संभाल सकते हो। तो आप यहाँ से जाने के बाद क्या करोगे इसके बारे में मुझे थोड़ा सा बताएं, जो हमारे शिक्षक है उनको भी यहाँ पे पता चले, और जो अभी प्लेसमेंट देना चालू किया है, तो अगर किसी कंपनी में अच्छी कंपनी में प्लेसमेंट अवेलेबल है तो वो हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है, और वीडियो के नीचे भी डाला हुआ है, तो वहाँ जाके आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से जाने के बाद आप ट्रेनिंग करने के बाद अभी जाके जॉब करोगे या खुद का बिजनेस करोगे? हमारा बिजनेस है, बिजनेस है, हाँ, इसमें सीखने के लिए आए, हाँ, तो हमें जॉब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हाँ, ठीक है। हर एक का तो मतलब कोई जॉब प्रोफाइल के हिसाब से भी आता है, खुद के बिजनेस के हिसाब से भी आता है। तो आप लोग क्या करोगे? आप तो पंजाब से हो, ठीक है, पंजाब में तो हमें तो पंजाब नहीं आता, लेकिन पंजाब अच्छा लगता है, मतलब सुना है बहुत, तो वहाँ जाके आप जॉब करोगे कहीं जगह पे कंपनी में, या खुद का बिजनेस करोगे, या आपका पहले से ये बिजनेस थे ऑलरेडी आपका? हाँ, ठीक है। और गौरव जी आप तो मराठी में भी बात कर सकते हो, मराठी आपके, ठीक है। चलो तो आज के एपिसोड में इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में, थैंक यू।